यहाँ एक टाइम राशन तक का भी नहीं मिला गरीबों को। क्या दिया इन्होंने, क्या करा इन्होंने? सिलेंडर 1000 के पार पहुंच चुका है, आप देखेंगे खाने पीने की चीजें सारी बढ़ चुकी है, जैसे कि दूध है, दाल है, सब्जियां है। आदाब, मैं असरार अहमद, आप देख रहे हैं समाचार वाले। मैं मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर पे, जहां प्रदेश महिला कांग्रेस ने आज प्रोटेस्ट का आह्वान किया था। अमृता धवन जी जो अध्यक्ष हैं, उनके कहने पर, और आप देख सकते हैं मेरे पीछे, आप जहां भी नजर दौड़ाएंगे सिर्फ और सिर्फ महिलाएं दिखेंगी। बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और जो महिला के खिलाफ अत्याचार हो रहा है पूरे देश में, उसको लेकर इनका आंदोलन है। और आप नारा देख सकते हैं कि कैसे ये नारा लगा रही है मैडम। आज लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, प्रियंका गांधी जी ने इस बार नारा दिया है। हाँ। इस नारे को आप कैसे देखती हैं? इससे महिलाओं में, बच्चों में कितना जोश बढ़ेगा? बिल्कुल जोश बढ़ेगा। महिला उत्पीड़न को लेकर कैसे लड़ना है, बलात्कारियों से कैसे लड़ना है, इस समाज से कैसे लड़ना है, जो दलितों को कुछ नहीं समझती, महिलाओं को कुछ नहीं समझती, उससे महिलाओं को इस नारे से शक्ति मिलेगी। प्रियंका गांधी महिलाओं की आवाज है। इस बार प्रियंका गांधी ने यूपी विधानसभा चुनाव में 40% महिलाओं को टिकट देने का भी ऐलान किया है। बिल्कुल किया है और वो इस ऐलान को पूरा भी करेंगी। दिल्ली में भी 40% महिला कांग्रेस को ही टिकट दी जाएगी आने वाले MCD के चुनाव में। आज आप लोग जंतर मंतर पे इकट्ठे हुए हैं महिला कांग्रेस की तरफ से, आज ये आह्वान किया गया है प्रोटेस्ट का, पूरा मुद्दा क्या है? बेरोजगारी है, महंगाई है, और क्या क्या मुद्दे आप यहाँ? सारे ही है, बेरोजगारी, महंगाई, ये शराब के ठेके खोल रहे हैं, और जो खास कर केजरीवाल ने बोला कांग्रेस ही कचरा है, उनका मतलब सारा मिलके निकाल रहे हैं। पहली बात तो सर ये है, डराया जा रहा है हम लोगों को। हाँ। इसलिए डराया जा रहा कि क्या पहले प्रदूषण नहीं होता था? होता था, इतना होता था कि लोग इंसान इंसान को नहीं दिखता था। वो क्या प्रदूषण का नाम दिया गया जहर, जब फसल में इतना जहर, गेहूं के डंठल में इतना जहर है तो अनाज में कितना नहीं जहर होगा, तो हम तो पूरा देश मर जाते। ये हम लोगों को गुमराह कहा जा रहा है कि ये खराब है वो खराब है। सर हम लोगों को, देशवासियों को बिल्कुल ठप किया जा रहा है, गरीबों के नाम ठेके खोल रहे, जो कुछ पैसा कमाएंगे वो ठेके पे जाएगा, हम लोगों के लिए बचा क्या है? केजरीवाल तो कह रही है हमने इतने सालों में गरीबों के लिए बहुत काम किया। कुछ नहीं किया जी, ये रोड पे काम तो इतना किया कि महिला को रोड पे लाके खड़ा कर दिया, इससे ज्यादा क्या काम होगा सर? इतना काम करा केजरीवाल ने कि हमें रोड पे लाके खड़ा कर दिया महिलाओं को, इससे ज्यादा क्या काम होगा? और मोदी सरकार बैठा हुआ है वहाँ पे, ये करो वो करो, क्या करेंगे सर? कुछ नहीं, शौचालय बना, शौचालय पहले इंदिरा जी ने भी बनाए थे, इंदिरावास जो कहते हैं, इंदिरावास, इंदिरा के जमाने भी इंदिरावास था। जब मोदी सरकार आई थी सत्ता में, तब उन्होंने एक नारा दिया था, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, अब तो और अत्याचार हो रहे हैं, कहाँ से मोदी सरकार क्या करेगी? अब तो छोटी छोटी बच्चियों को महिला उठा उठा के ले जाते हैं पार्कों में, हम लोग ढूंढते रहते हैं हमारी बच्चियाँ कहाँ गई, मोदी सरकार चुप बैठी है, कुछ नहीं करती हमारे लिए। अमित शाह लखनऊ जाते हैं, वो कहते हैं कि महिलाएं इस अभी जितनी सुरक्षित है वो पूरे देश में कभी नहीं हुई थी, रात के 12 बजे घर से बाहर। इसके राज में हमने ये दिन नहीं देखा था जो आज हम औरतें देख रहे हैं, जो आज औरतें देख रहे हैं, ना हमारे बच्चे ठीक है, ना हमारी औरतों को सुरक्षा है, ना हमारे आदमियों को सुरक्षा, कुछ भी नहीं है, ना हमारे आदमियों को बेरोजगार, कोई रोजगारी नहीं है, और ऊपर से ठेके खोले जा रहे हैं। आप लोग आज जंतर मंतर पर क्यों इकट्ठा हुई हैं? महंगाई के खिलाफ। क्या महंगा हो गया? सिलेंडर, भैया सिलेंडर महंगा हो गया, रसोई हर चीज महंगी हो गई। हाँ। कितनी महिलाएं यहाँ सब परेशान है, काम नहीं है। मोदी सरकार तो कह रही है कि ये राष्ट्र हित के लिए, देश के हित के लिए महंगाई हो रही है। देश को लाना, देश के हक की क्या महंगाई भाई, गरीबों को क्या होगा ये बताओ, गरीबों को क्या होगा ऐसी महंगाई में? हमारे गरीब मोदी सरकार ने कहा अच्छी एजुकेशन देंगे, अच्छी एजुकेशन, स्कूल बंद हुए हैं, बच्चे घरों में बैठे हुए हैं, आदमी कारोबार से घरों में बैठे हुए हैं, बताओ चलेंगे हमारे बच्चों के आज कल में कभी पैसा नहीं हुआ कि आदमी घरों में बैठे हों, मोदी सरकार ने घरों में बिठा दिया आदमियों को। हम लगातार आपको महिलाओं के बयान दिखा रहे हैं कि कितनी परेशान है, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं, महंगाई इतनी कि ये किचन का इनका पूरा बजट बिगड़ गया है। हम कांग्रेस के टाइम में ऐसा कभी नहीं हुआ, महंगाई से बैठे घरों में आदमी बैठे, बच्चों का हाथ में निवाले छुप रहे हैं, सिलेंडर 1000 का सिलेंडर खाने को घर में नहीं है, क्या सिलेंडर इस्तेमाल करें? ऐसा दिमाग परेशान कर रखा, लोग हटेकों से मर रहे हैं सदमे से। सिलेंडर 1000 के पार पहुंच चुका है, आप देखेंगे खाने पीने की चीजें सारी बढ़ चुकी है, जैसे कि दूध है, दाल है, सब्जियां है, पेट्रोल है, पेट्रोल भी 200 के पार हो चुका है। और हम सब महिला कांग्रेस की तरफ से अमृता धवन के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कितनी जनसंख्या में महिला। मोदी सरकार कह रही है
कि मुस्लिम महिलाएं इस बार बहुत ज्यादा सुरक्षित है और हम उनके लिए 3 तलाक का कानून भी ले आए। नहीं महिलाओं को दो बच्चे अच्छे भी कर लेंगे। नहीं महिलाएं सुरक्षित कहाँ पे हैं ये बताओ, महिला सुरक्षित हैं आप ही बता दीजिए, नहीं है ना। और 3 तलाक से क्या होता है, कुछ नहीं होता। 3 तलाक से कुछ नहीं है। आप लोग किसी के धर्म में आप किसी के धर्म में, मैं मोदी जी से ये पूछना चाहती हूँ, आपने देश में काम करना है क्या, लोगों के धर्म में काम करना है ये बताएं मुझे, कि मुसलमानों के क्या हो रहा है, हिंदू के क्या हो रहा है, सरदार क्या हो रहा है, सिर्फ लोगों की पेट की समस्या ढूंढे आप ना, ये नहीं किसके धर्म में क्या है। आपको लगता है कि मोदी सरकार धर्म की राजनीति करती है, चुनाव नजदीक आते ही हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं? सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है। हिंदू की राजनीति कर रही है, हिंदू मुस्लिम जो एक जगह भाईचारा था, जो दिवाली के टाइम पे मुस्लिम भाई बहन उनके घर जाते थे और मिठाइयाँ खाते थे, ईद के टाइम पे हिंदू आते थे, ये बंटवारा कर दिया हिंदुस्तान में। भाई मैं कहना चाहती हूँ, हमारे बाप भाई है, हमारे आदमी बच्चे छोटे छोटे हमारे घरों के पास शराबों के ठेके खुलेंगे तो हमारे बच्चों पे क्या असर पड़ेगा, आप ये बताइए। नशे बिक रहे हैं ऐसे ऐसे कि हमारे आदमियों को, जवान जवान बच्चों को नशे लगा रहे हैं और अब नए नए ठेके खुल रहे हैं, बताओ। इसके लिए हम बहुत परेशान हैं, इसके खिलाफ आवाज उठाई जाए और ये बंद कराए जाएं। सर आपके ठेके जो खुल रहे हैं ये सब बंद कराए जाएं, हमारा ये कहना है आपसे। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। आप मेरे साथ लगातार देख रहे हैं, हमारे साथ एक अम्मा, हम उनसे ही बात करेंगे। अम्मा क्या परेशानी है? भैया सब बहुत परेशानी है, गरीब आदमियों को मेहनत करने में मुश्किल हो रही है, रोटी रोजी मिलने मुश्किल हो रही है, बच्चे पाले महंगा इतने कर रखी है, सिलेंडर है वो 1000 से ऊपर पहुँचे, गरीब आदमी कहाँ से लाएगा। जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं, सड़कों पर बड़े मजदूरी कर रहे हैं, वो कहाँ से लावे ये बता दो मुझे, कि वहाँ से आएगा। महंगाई कितनी कर रखी है, दुनिया में कुछ भी हो रहा, यहाँ एक टाइम राशन तक का भी नहीं मिला गरीबों को। क्या दिया इन्होंने, क्या करा इन्होंने गरीबों के साथ, किराए में पड़े हैं, बत्ती के बिल आ रहे हैं और किराएदारों से बिल ले रहे हैं, ये कौन सी कानून है, बताओ कहाँ गरीब आदमी जाके मरेगा, बताओ कहाँ जाके। हम लगातार आपको महिलाओं का दर्द दिखा रहे हैं, मैं एक पत्रकार हूँ और मैं भी कभी कभी इमोशनल हो जाता हूँ। मैंने एक अम्मा से भी बात की और अम्मा इतनी भावुक हो गई कि मुझे भी लगा कि नहीं कुछ न कुछ गलत है। जो नई शराब नीति, बेरोजगारी, महंगाई है इस देश में, उसको लेके आज महिला कांग्रेस की तरफ से ये धरना प्रदर्शन किया गया था और हम लगातार कुछ महिलाओं से, कुछ नौजवान महिलाओं से, कुछ लड़कियों से बात कर रहे थे और उनका सीधा कहना है कि ये बेरोजगारी खत्म हो और जो केजरीवाल सरकार नई शराब नीति लेके आई है उसका खात्मा हो। असरार अहमद, समाचार वाले।